नमस्कार दोस्तों, आपका अन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। क्रैक ऑल राजस्थान एग्जाम विद अन अकेडमी टीम, क्योंकि अन अकेडमी के पास एक अनुभवी शिक्षकों की टीम है जो क्वालिटी एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिससे आपकी सफलता निश्चित होती है। मैं राकेश शर्मा BA MA BEd स्पेशलाइजेशन ज्योग्राफी में रखता हूँ। सेट क्वालिफाई 2012 हूँ। मैं पिछले 8 सालों से ऑनलाइन व ऑफलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ ही मेरी जो ज्योग्राफी है वो मैप बेस्ड ज्योग्राफी है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होंगे। जो चीज़ें आज तक आप नहीं समझ पाए थे, आज तक आपको जिन चीज़ों का डर लगता था, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको मैप बेस्ड आसानी से याद करवाने का प्रयास करूँगा और मैं आपकी सफलता का बेहतरीन माध्यम बनूंगा। इसके लिए आपको RPSC का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जहां पर आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 7,000 रुपये में मिलता है। इसके लिए आप RKS लाइव रेफरल कोड का यूज करते हो तो ये मात्र 6,300 रुपये में आपको उपलब्ध हो पाएगा। ये आप ध्यान रखना, राजस्थान में होने वाली किसी भी एग्जाम में जब विज्ञप्ति जारी होकर एग्जाम होती है, इतने में 12 महीने का समय आपको चाहिए। तो 12 महीने का यदि आपके पास सब्सक्रिप्शन होता है तो आप उस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक से बढ़कर एक बेस्ट एजुकेटर है। इसके अलावा वहां पर आपको क्विजेज मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकोगे। इसके अलावा वहां पर अनलिमिटेड एक्सेस, यानी एक ही वीडियो को आप कई बार देख सकते हो। ऑफलाइन क्लासों की तरह नहीं कि 2 या 3 घंटे के बाद में या 4 घंटे के बाद में आपको घर जाकर नोट्स से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको क्विजेज के माध्यम से आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, इंटरेक्शन जो क्लासों में होता है ऑफलाइन क्लासों में, वो आप यहां कर सकते हो। ऐसे ही आप अनलिमिटेड एक्सेस से आप वीडियो बार बार देख सकते हो। यदि आप कोई लंबी तैयारी करते हो, जैसे आप किसी क्लास में अपीयर हो और अभी आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, फिर भी आपको तैयारी करना है, तो आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जो मात्र 8,400 रुपये में। और ये यदि आप RKS लाइव रेफरल कोड का यूज करते हो तो ये मात्र 7,560 रुपये में आपको उपलब्ध होगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। मैं आपको मोस्टली ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेके चलूंगा। कई लोगों को आता है जो आर्ट्स के बच्चे हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी रही हुए, कई बच्चे ऐसे हैं जैसे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको ज्योग्राफी आती नहीं है। पर मैं कह देता हूं कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो ज्योग्राफी जल्द समझ पाते हैं, तो वो इस चीज का होवा न बनाए कि समझ में नहीं आएगी क्योंकि GK का पार्ट है। नहीं, क्योंकि ये MSc भी ज्योग्राफी में होते हैं, यानी साइंस स्ट्रीम का भी ये एक सब्जेक्ट है। चलो हम शुरुआत करते हैं भूगोल के पिता। देखो, आप अलग अलग गाइडों में आप अलग अलग चीजें पढ़ते हो। मैं कह देता हूं भूगोल का पिता है वो इकेटियस है, 100% सही है ये। हिकेटियस भूगोल के पिता है, जबकि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले उपयोग करता इरेटोस्थनीज है। इन्होंने अपने ज्योग्राफिया ग्रंथ में इसका सबसे पहले यूज किया था, किस शब्द का? ज्योग्राफी का। कौन थे? इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी शब्द यूनानी यानी ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हो गया जियो यानी पृथ्वी और ग्राफिया यानी वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि यह पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यहां पर यह आपका उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, ये अफ्रीका आ गया, ये एशिया हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, और ये यूरोप का पार्ट है, और ये अंटार्कटिका। आप देखिए यहां पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की प्रजाति क्या एक जैसी है? आप लोगों को जब देखोगे तो आपको आसानी से ये देखने को मिलेगा भेद करने में कि ये अफ्रीकन आदमी है, ये एशियन आदमी है, ये यूरोपियन आदमी है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त मानव प्रजाति में भिन्नता मिलती है। ऐसे ही आप कृषि में भिन्नता देखने को मिलती है। हमारे जो उत्पादन होता है वो अन्य क्षेत्रों में अलग उत्पादन होता है। हमारे यहाँ पर शीतकाल में जो गेहूं की फसल होती है, कई जगह बसंत काल में बसंत
जो गेहूं की फसल होती है। हमारे जैसे राजस्थान की स्पेशली बात करें तो राजस्थान में बाजरे का उत्पादन होता है, जबकि जो ठंडे प्रदेश है वहां बाजरे का उत्पादन नहीं होता। ऐसे ही आप मृदा की संरचना है, पर्वतों की स्थिति है, इन सभी कारकों का जो आप अध्ययन करोगे वो भूगोल में करोगे। भूगोल मेनली जो पार्ट है वो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दो पार्ट में बटा हुआ है। भौतिक भूगोल में आप जिसको वर्ल्ड जियोग्राफी कहते हो, कई जगह क्या है वर्ल्ड जियोग्राफी नाम लेते हैं, जैसे आप अक्षांश देशांतर है, पृथ्वी की गतियां हैं, इसके बाद में प्लेट विवर्तनिकी है, भू संचलन है, चट्टान है, भूकंप, ज्वालामुखी, भू संचलन, ये जो सब चीजें हैं, जैसे महासागरीय धाराएं हैं, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब इस भौतिक भूगोल का ही पार्ट है। ह्यूमन जियोग्राफी में जिसमें मानव की भागीदारी होती है, जैसे पॉलिटिकल जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी है आपकी, इकोनॉमिक जियोग्राफी है सॉरी, और इसके अलावा आप जैसे राजस्थान जियोग्राफी है, ये पार्ट जो आप पढ़ते हो ये सब क्या है इसी के अंतर्गत है आते हैं। रिसोर्स जियोग्राफी है, वाटर रिसोर्स जियोग्राफी है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर पृथ्वी की आकृति कैसे है, ये सीटेट का क्वेश्चन, अभी ये भी हाल में जो पिछली सीटेट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो देखो कई जगह आता है अंडाकार लिखा हुआ, कई जगह गोलाकार, तो आपको मैं बता दूं कि ये लव अक्ष गोलाब जैसी है, और यहां से ये चपटी है, यहां से चपटी है, ये थोड़ी सी शेप है, इसको आप गौर करोगे ये चपटी है, इसको बोल देते हैं लहवक्ष गोलाब या जियोड। इंग्लिश में भी तो जियोड बोलते हैं, और यहां पर भी जियोड ऐसा शब्द सीटेट में लिखा हुआ आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि जियोड जैसी आकृति है, यानी लगभग गोलाकार व ध्रुवों पर क्या है चपटी है। अब देखो हम बात करते हैं अक्षांश व देशांतर की। सबसे महत्वपूर्ण बात कोई भी स्थान है उसकी यदि आपको क्या ध्यान करनी है, अवस्थिति ज्ञात करनी है, क्या करनी है अवस्थिति यानी लोकेशन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, कई जगह आप कई शब्द सुनते हो क्या कि सब स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति कैसी है, तो भारत की स्थिति तो आपको पता है कैसी, तो अवस्थिति क्या है, तो आप अवस्थिति बता देते हो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत है। तो आपको ध्यान देना है कि इस पृथ्वी पर जब इन चीजों का पता नहीं था, तो यहां से यदि कोई आदमी स्टार्ट हुआ है उसको कहा गया कि भाई आपको कहाँ जाना है, भारत जाना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर किसी आदमी को यह पता नहीं था, जैसे मैं यहां बता देता हूं, यहां से आदमी शुरू हुआ, इस आदमी को शुरू पता नहीं था, तो ये घूमता घूमता गया कहीं पे भी, ऐसे ऐसे घूमता गया, तो ये मान लो पहुंच गया संयोग से भारत, तो इसको कहा गया कि आप जब जहां से शुरू हुए थे वहां जाओ वापिस, तो ये वहां से घूमने लगा, तो ये उसने उसको पता नहीं था, यानी क्या था स्थिति का पता नहीं था। इसके लिए काल्पनिक रेखाओं का एक जाल बनाया गया, ये काल्पनिक है भैया, काल्पनिक रेखाओं का एक जाल बनाया गया, और उस जाल को हम क्या कह देते हैं, ग्रीड कह देते हैं, और उनमें दो चीजें शामिल है अक्षांश व देशांतर। देखो पृथ्वी के केंद्र से, ये केंद्र है, इस केंद्र से कोणीय मान, ध्यान देना, यहां पर मान लो ये 5 डिग्री है और यहां पर भी ये 5 डिग्री है, इसको समान मानों को मिलाने वाली एक रेखा हमने खींच दी, ये खींच दी, ये क्या हो गई 5 डिग्री अक्षांश हो गई। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली जो रेखा है, ये रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय व्यास, इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, क्या बोलते हैं 0 डिग्री, इसी को हम क्या बोल देते हैं विषुवत रेखा। देखो ये जो ध्रुवीय सॉरी भूमध्य रेखीय व्यास है ये कितना है 12,757 यानी 12,757 किलोमीटर है, जबकि ये जो है ये क्या है ध्रुवीय व्यास है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कितना है 12,714, तो 12,757 और 12,714 कितना अंतर आ गया,
तीन और चार, ये कितना अंतर आ गया 43 किलोमीटर का, यानी ध्रुवीय व्यास से भूमध्य रेखीय व्यास कितना है 43 किलोमीटर ज्यादा है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये नोट कर लेना दोनों डिजिट। एक बात और बता देता हूं, इसी कारण ध्रुवों पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी फोर्स लगता है। क्यों लगता है? अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी फोर्स कहां लगता है, पृथ्वी पर, भूमध्य रेखा, मध्य अक्षांश या ध्रुवों पर? तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव केंद्र के जो नजदीक हिस्सा होगा वहां सबसे, तो यहां पर ये 43 किलोमीटर की दूरी क्या होती है, कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो पृथ्वी के केंद्र से यहां इस लाइन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोण या दूरी को अक्षांश कहते हैं, और समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कह देते हैं, अक्षांश रेखा कह देते हैं। यानी ये तो हो गया अक्षांश, यहां से ये जो कोणीय दूरी हो गई ये तो हो गई अक्षांश है, और ये 5 डिग्री को 5 डिग्री या 10 डिग्री को 10 डिग्री से मिलाने वाली जो ये वृत्ताकार रेखा है, ये ध्यान रखना ये वृत्ताकार रेखा है, उधर से पीछे से फिर आ रही है, तो ये वृत्ताकार रेखा है क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। अब हम यहां थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, ये आपका पृथ्वी का ग्लोब का मैंने डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, ये ध्यान देना ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश, और यहां से इस रेखा के जो इधर जितने भी अक्षांश होंगे उनको हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। इस रेखा के जो नीचे जितने भी अक्षांश होंगे इनको हम बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। ध्यान देना यहां गौर करना सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, तो सबके बारे में तो लिख नहीं पाएंगे, तो आप यहां समझ लेना यहां आते आते 90 डिग्री ये कौन सा हो गया, उत्तरी अक्षांश, और ऐसे ही हम इधर आएंगे, ये सब क्या हो गए, ये दक्षिणी अक्षांश हो गए। नब्बे डिग्री है भाई, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि दो क्रमिक यानी 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, इन दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। अलग अलग एग्जामों में मोस्टली 111 किलोमीटर ही बोली गई है, तो आपको ये डिजिट याद रखनी है, परंतु ये एग्जैक्ट 111.13 किलोमीटर होती है, परंतु राउंड फिगर में देने के चक्कर में ये इतना ही देते हैं, जबकि देशांतर का 111.32 किलोमीटर देते हैं। आपको यहाँ 111.13 और 111 किलोमीटर दोनों याद रखनी है। इस भाग को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं जोन, या हिंदी में बोल देते हैं इसको कटिबंध। क्या बोलेंगे? जोन या कटिबंध। जो अक्षांश है वो है कितने, तो देखो अक्षांश कितने है? दो चीजें मैं लिख रहा हूं यहां गौर कर लेना, अक्षांश तो देखो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, यानी 90 प्लस 1, एक कौन सा आया 0 डिग्री, तो अक्षांश कितने हो गए 181। जबकि अक्षांश रेखाएं या वृत्त, तो देखो यहां गौर करना, ये 90 डिग्री है ना एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित होता है, और ये 90 डिग्री भी एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये कितना हो गया 89 प्लस 1, कितने हो गए 179। ये गौर कर लेना कितना होगा 170। अक्षांश वृत्त कितने होते हैं 179, और अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, सॉरी अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं, अक्षांश होते हैं 181। अब देखो मैं आपको इसका अवस्थिति निर्धारण के बारे में बताता हूं, तो यहां ध्यान देना आप कि ये जो है इंडिया के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इंडिया की अवस्थिति क्या है। देखो इस रेखा के 0 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, इसके ऊपर में जो गोलार्ध है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध,
और दक्षिण में है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ये गौर कर लेना। अब बाप को पूछे भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत का अक्षांश विस्तार कौन सा है, तो आप यहां चीज को गौर करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब देखो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। अब पहले मैं इंडिया के बारे में यहां चर्चा कर लेता हूं। ये भारत है, यहां लिखा होता है 8 डिग्री 4 मिनट और यहां लिखा होता है 37 डिग्री 6 मिनट। यहां क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश आएगा या दक्षिणी अक्षांश आएगा बताइए भाई। तो यहां आता है उत्तरी अक्षांश। सर ऐसे कैसे, ये तो दक्षिण में है और ये भी आता है उत्तरी अक्षांश। ये देखिए ये 0 डिग्री है और भारत लगभग यहां है। इस रेखा के सभी उत्तरी जो अक्षांश है वो ऊपर वाले सभी उत्तरी अक्षांश है ये, और ये उत्तरी अक्षांश हो गए। यदि भारत यहां होता तो ये दक्षिणी होता और ये उत्तरी होता, यदि भारत यहां होता तो ये दक्षिणी होता और ये भी दक्षिणी होता। ऐसे ही मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं, ये राजस्थान है, राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, तो ये भी क्या है उत्तरी अक्षांश है और ये भी उत्तरी अक्षांश है, तो दोनों उत्तरी अक्षांश हैं। गोलार्ध कौन सा आ गया, उत्तरी गोलार्ध। तो ये यहां महत्वपूर्ण जो कंफ्यूजन होता है, अब देखो कईयों का उत्तर आएगा कि सर 6 डिग्री 4 मिनट है, तो ये है इंदिरा पॉइंट का, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं, ज्यादातर एग्जाम में ये आता है, ये ध्यान दे, ठीक है। आगे चलें, अब देखो अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर व दक्षिण में स्थित होती हैं। ये देखो ये हो गई 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, इसके ये समानांतर यानी अंतर समान होगा, ये ध्यान रखना। ये कितना होता है 111.13 किलोमीटर। एक बात यहां गौर करना कि यहां चपटी होने के कारण कुछ क्या होती है, दूरी बढ़ती है, पर उसको कहीं कहीं किसी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए प्रीफर है। आगे ध्यान दो, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पृथ्वी को क्या बांटती है, दो भागों में बांटती है, यह वृत्त व्रत होता है, यह ध्यान रखना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाता है, भूमध्य रेखा बनाता है, और कितना व्यास होता है 12,757 किलोमीटर इसका व्यास होता है। इस रेखा के उत्तर में स्थित भूभाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध तथा उत्तरी अक्षांश, तथा दक्षिण में स्थित भूभाग को दक्षिणी गोलार्ध व दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अधिकतम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का प्रदर्शन किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाए कि आप बताइए मैप में किसी देश का 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 110 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थिति है, तो बताइए कहां अवस्थित होगा। तो आपको मैं बता देता हूं ये गलत क्वेश्चन है, कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर कभी अक्षांश होते ही नहीं है। दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य दूरी 111.13 किलोमीटर तथा इस भाग को क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध कहते हैं। अब देखो एक चीज यहां गौर करने वाली है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और यहां सबसे महत्वपूर्ण गलती क्या होती है, सुमेलित करवाते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 23.5 डिग्री 66 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वर्ग कहते हैं। अब मैं एक यहां गौर करता हूं, आपको देखो गौर करना इस बात पे कि 23 डिग्री 30 मिनट और 23 डिग्री 5 मिनट, देखो 23 डिग्री 5 मिनट लिखा है तो ये तो है गलत, 23.5 डिग्री लिखा है ये सही है 23.5 के हिसाब से, या 23 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है और 60 मिनट को आप आधा करोगे तो 30 मिनट आएंगे, या आप इस डिजिट को ऐसे लिख सकते हो 23.5 डिग्री। ये गौर करने वाली बात है, देखो यहां सबसे महत्वपूर्ण ये तीनों डिजिट है वो सही है, ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 23.5 डिग्री, तो ये सही था, यहां गौर करना। अक्षांशों का उपयोग किस में किया जाता है, अवस्थिति निर्धारण, स्थिति निर्धारण में नहीं होता भैया, क्योंकि स्थिति किसकी है पूछ लिया जाए कि भारत की स्थिति कैसी है, तो बहुत अभी तो क्या है कोरोना के कारण बहुत ज्यादा खराब है, तो स्थिति अलग चीज होती है वो कंडीशन है, अवस्थिति होती है लोकेशन, तो लोकेशन पूछी जाती है। इसके अलावा जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि आप ये बता सकते हो कि इस पृथ्वी पर कहां तक सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं और कहां तिरछी पड़ती है, तो ऐसी क्या जलवायु है, क्लाइमेट कैसा है, वो आप इसका निर्धारण कर सकते हो। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब बात आती है देशांतर रेखा, देखो आपको ध्यान देना है ये यहां पर है नॉर्थ पोल और यहां है साउथ पोल, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम कहते हैं देशांतर। ये जो देशांतर रेखा है इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, क्यों बोलते हैं, ये लंदन स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है जहां से विश्व का समय का निर्धारण होता है। ये ग्रीनविच रेखा है इसको आप बोलते हो प्रधान याम्योत्तर, देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे कहते हैं प्रधान मानक समय देशांतर, विश्व के समय का निर्धारण किससे होता है, 0 डिग्री देशांतर से, ग्रीनविच रेखा से, तो ये आपको गौर करना है। अब देखो देशांतर रेखाएं क्या होती है, अर्धवृत्ताकार होती है, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है जबकि अक्षांश है वो वृत्ताकार होती है। तो यहां महत्वपूर्ण बात है इस रेखा के इधर वाला जो हिस्सा है कौन सा, ये वाला, ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इस रेखा के इधर वाला है वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत यहां आए तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के कारण तो क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री देशांतर के रूप में क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो यहां गौर करना, देशांतर होते क्या है, तो देशांतर होते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाओं को हम क्या कह देते हैं, देशांतर रेखा कह देते हैं। ये आप थोड़ा समझ लेना भैया, अर्धवृत्ताकार है, तो इस तरीके से इधर चलते हैं तो 180 देशांतर होते हैं, ये कहलाते हैं पूर्वी देशांतर, और इधर वाले हैं वो कहलाते हैं पश्चिमी देशांतर। ये महत्वपूर्ण बात है। अब भारत है, भारत के यहां ये भी पूर्वी हो जाएगा और ये भी पूर्वी हो जाएगा, यानी दोनों देशांतर हैं वो क्या होंगे, पूर्वी होंगे। अब यहां आपके सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इन दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है, इन दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य, सॉरी देशांतरों के मध्य, मध्य दूरी ये होती है 111.32 किलोमीटर, जिसको आप क्या कहते हो, कोर कहते हो, कोर, कई जगह लिखा था है गोरे गोरे वगैरह कुछ नहीं होता, पढ़ने से इनसे मिस्टेक है, पर इंडिया में क्या है इंग्लिश नहीं चलती, इंग्लिश चलती है, तो हम टू द हेडमास्टर ऐसे जोर लगाकर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये भी आप पर गौर कर लेना आप लोग, ठीक है ना। आगे गौर करने वाली बात यहां ये है कि
ये जो दूरी है ये यहां भूमध्य रेखा पर ही होती है 111.32, ध्रुवों की तरफ जाते हुए ये कम होती हुई अंततः कितनी रह जाती है, जीरो रह जाती है, क्योंकि ये सब मिल जाती है। अब यहां ध्यान देना, आपको कोई पूछे कि साहब देशांतर होते कितने हैं, तो देशांतर कितने होंगे, 180 इधर है, 180 इधर है, तो 180 प्लस 180 प्लस 1 यानी देशांतर हो गए 361। सही है क्या? गलत। तो क्या होगा, देखो ये है इधर से इधर जाना है, और यहां जो ही हम इसके पीछे आएंगे तो 180 यहां इसके पीछे जो रेखा है वो होगी, यानी मेरी तरफ आप गौर करना कि ये 0 डिग्री है, तो आप यहां पीछे जाओगे तब 180 डिग्री आएगा, और यहां से जाओगे तो यहां 180 डिग्री आएगा, यानी दोनों गोलार्धों का 180 डिग्री देशांतर है वो एक ही है, यानी कॉमन है, तो आप इसको काउंट करोगे 180 प्लस 179, क्योंकि एक तरफ काउंट हो गया तो एक तरफ क्या होगा, काउंट नहीं होगा, और एक तो ये कितने हो गए 360। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप पूर्वाग्रह दर्शित उत्तर देते हो, आप में क्या दिमाग ये लगाते हो कि 90 उत्तरी अक्षांश थे, 90 दक्षिणी थे और 1 0 डिग्री था, तो इसमें 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, और एक क्या है 0 डिग्री है, 361 हो गए ना। सही है, सही नहीं है, ये गलत है। अब हम चर्चा कर लेते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित भूभाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में स्थित भूभाग को पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी भाग में पूर्वी देशांतर और पश्चिमी भाग में पश्चिमी देशांतर स्थित होते हैं। अधिकतम देशांतर 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर प्रदर्शित होते हैं। आगे बात आती है दो क्रमिक देशांतरों भूमध्य रेखा पर, यह गौर करने वाली बात है, दो क्रमिक देशांतरों के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जिसे भोरी कहते हैं। ध्रुवों की तरफ कम होती हुई अंततः कितनी रह जाती है, शून्य रह जाती है। कुछ क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा टेक्निकल बनाते ही आप कहते हो क्वेश्चन घुमा के है, नहीं आया। ध्रुवों पर देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, आ गया ना सही, और इतने में क्या हो जाता है, गलत, तो आप इस चीज से बचोगे। अब देशांतरों का उपयोग किया किसके लिए जाता है, तो किसी क्षेत्र की अवस्थिति और अवस्थिति के साथ साथ समय की गणना में। अब मैं आपको यहां भारत के बारे में बता देता हूं, देखो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, अब मेरे को पता नहीं, आप होनहार हो बढ़ा सकते हो, पाकिस्तान आने वाला है इंडिया की तरफ है, वैसे तो वो उधर रहे ठीक है ना, हमारे साथ जुड़ने पे क्या मिलेगा, उत्पात करेंगे वो लोग। तो यहां ध्यान देना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये क्यों हुआ, तो इस पिछली स्लाइड में आप इस चीज को गौर करो, ये यहां पर है इंडिया, तो इस रेखा के इधर वाले सभी पूर्वी देशांतर यानी 1 2 3 4 5 और ये 68 डिग्री और ये 97 डिग्री, तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के बारे में ऐसे मैं बना देता हूं भाई, समझ लेना एक बार, 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट, दोनों क्या हो गए, पूर्वी देशांतर हो गए, क्योंकि आप लोग क्या लॉजिक लगा देते हो, ये तो पश्चिम में पश्चिमी देशांतर कर दे, नहीं करना भैया। अब होती है समय की गणना, अब वो कैसे होगी क्या होगी उस चीज की हम आगे चर्चा करते हैं। समय की गणना, पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी पूरा चक्कर अपने अक्ष पर घूमते हुए कितनी देर में पूरा करती है, अबाउट 24 घंटे या 1440 मिनट, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में समय लेती है 24 घंटे का, और 1 डिग्री घूमने में समय लेगी 1440/360 बराबर है 4 मिनट। ये होता है समय अंतराल, ये आता है दो क्रमिक देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितना होता है 4 मिनट का, पूर्व में जाने पर समय आगे हो जाएगा, पश्चिम में जाने पर 4 मिनट पीछे हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 68 डिग्री पर यदि सुबह के 8 बजे हैं
तो 70 डिग्री पर कितने बजेंगे? तो कितने बजेंगे उत्तर देके बता दीजिए। तो इस चीज का उत्तर होगा आपका 68 से 70 के बीच में 2 देशांतरों का अंतर है, और 2 देशांतरों का अंतर आते ही 2 के क्या हो जाएंगे, 2 × 4, 2 × 4 यानी 8, और ये 68 है, इधर चलोगे तब 70 आएगा, यानी पूर्व में जाना है तो 8:08 हो जाएंगी, ये ध्यान रखना आपको। अब आपको यहां एक चीज की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहां कर लेता हूं। आपके आता है इंडिया का समय, समय अंतराल कितना है, तो देखो यहां है 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी पूर्वी देशांतर है और ये भी पूर्वी देशांतर, समान देशांतर होंगे तो आप घटा दो जो भी बड़ी डिजिट है उसमें से, 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, तो 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर का अंतर आ गया। आप इसको एक बार राउंड फिगर में ले लीजिए, और राउंड फिगर में लेंगे तो हम इस चीज को हम क्या किसमें 30 मान लेते हैं। एक देशांतर में समय अंतराल कितना आता है 4 मिनट का, तो 30 में कितना आ गया अबाउट 120 मिनट का। अब मैं कहता हूं कि यहां से समय आगे होता है पूर्व में, और पश्चिम में समय क्या होता है पीछे होता है। आप इस चीज के लिए लॉजिक लगा लो, सूर्योदय सबसे पहले किधर होगा, पूर्व में होगा, जिनके पश्चिम में होता है उनको दिशा भ्रम है, मारवाड़ी में कहते हैं चून है उनके, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना पूर्व में सूर्योदय होता है, पूर्व में सूर्योदय होगा और पश्चिम में बाद में होगा, तो यहां से यहां का अंतराल कहां से, अरुणाचल प्रदेश के किबीथू वालांगू से लेकर यहां गोरमाता यहां तक जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का है, इतना है 2 घंटे का है। अब आपको पूछ ले कि साहब राजस्थान में अंतराल, तो राजस्थान का आपको पता होना चाहिए 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट, भाई इसको घटा दो 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट, घटाओ भाई इसको, गलत घटाओगे ज्यादातर बच्चे। तो आपको मैं घटाकर बता देता हूं, देखो यहां से जो ही आप इधर लेके आओगे ना तो आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे, तो 78 में से आपको 1 डिग्री में से इसको दिए, और ये जो ही दिए तो 1 डिग्री में मिनट हो गई 60, 60 में 17 जोड़े तो 77 हो गए, यानी 77 डिग्री 77 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट, बैठा दो भाई। यहां पर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ये यहां लिख देता हूं, 78 में से इधर लेके आए तो 77 हो गए और यहां पर भी 77 हो गए और 69 डिग्री 30 मिनट, घटा दिया, घटाया तो कितना आया भाई बता दो, ये तो आ गए 47 मिनट, 47 मिनट और 8 डिग्री, ठीक है 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आया। इसको एक बार हम राउंड फिगर में लेके चलते हैं, 1 मिनट में अंतर, 1 डिग्री में अंतराल होता है 4 मिनट का, तो कितना हो गया 36 मिनट। तो ये महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात है कि राजस्थान में धौलपुर से लेकर जैसलमेर में समय अंतराल होता है वो लगभग 36 मिनट का होता है, ठीक है। तो ये आपको समय की गणना करने में सहायक होता है। अब देखो स्थानीय समय, सूर्य के आधार पर गणना किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। स्थानीय समय के अनुसार सूर्य एकदम सिर पर होता है उस समय दोपहर के 12 बजे होते हैं, देखो क्वेश्चन नहीं आता तब भी 12 बज जाते हैं, और सूर्य एकदम ऊपर होता है तब भी 12 बजे होते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश, सबसे बाद में होता है यहां पर, तो यहां से जैसे आप मान लो 97 96 95 94 93 92 91 ऐसे करते करते प्रत्येक देशांतर पर आप इधर जा रहे हो, तो प्रत्येक देशांतर पर समय अंतराल अलग अलग होगा या नहीं होगा। जैसे यहां मान लो 7 बजे हैं सुबह की, तो इधर चलोगे तो 6:56 6:52 इस तरीके से समय में क्या आएगी विसंगति आएगी। इसके बचने के लिए क्या कर दिया गया मानक समय देशांतर, यह क्या होता है जैसे आपको मैं बताऊं, गौर करना
देखो भारत में इधर से लेकर यहां तक समय अंतराल 2 घंटे का है। जैसे आप देखो अरुणाचल प्रदेश यानी असम साइड में हमारे ज्यादातर दोस्त रहते हैं, तो वो क्या होते हैं न्यू ईयर का या होली दीपावली पर हमारे को विश करने के लिए फोन करते हैं, तब तक आप उठते ही नहीं हो। वो फोन करते हैं भाई राम राम, आप कहते हैं भाई राम राम कैसे यार उठा ही नहीं, और उसका ओपी जाने का टाइम हो जाता है। तो ये इतना अंतर है। इससे बचने के लिए यहां से देखो यहां आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है, यहां पर ही है एमपी यूपी एपी ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से क्या गुजरती है, भारत की मानक समय देशांतर गुजरती है, जिसको हम कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी 82.5 डिग्री पर जो टाइम होगा वो पूरे भारत पर लागू होगा, यानी यहां 12 बजेंगी तो पूरे भारत में 12 बजेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पूरे, और ये क्वेश्चन आया था कितने स्टेट से गुजरती है, तो 5 स्टेट से गुजरती है ये। अब कई लोग क्या होते हैं यहां दिमाग लगाते हैं कि तेलंगाना से गुजरती है, नहीं गुजरती भाई, ये गाइडों में गलत लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको प्रूफ से, यदि आपको ये चीज प्रूफ करनी है तो आप तेलंगाना का देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 82.5 उसके अंदर आता है या नहीं आता। इसमें समय का निर्धारण है, यूपी में इलाहाबाद के नजदीक नैनी से गुजरती है और मिर्जापुर के क्लॉक टावर से इस समय का निर्धारण होता है। इंडिया पढ़ेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहां यह कहना है कि ये जो यहां का समय है इसको हमने क्या कह दिया, मानक समय देशांतर कह, यानी किसी एक देशांतर का समय किसी पूरे देश पर या भौतिक क्षेत्र पर लागू कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, मानक समय देशांतर कहलाएगा। भारत और श्रीलंका का मानक समय देशांतर 1 है, यानी भारत में 1 बजी है तो श्रीलंका में भी 1 बजी है। क्वेश्चन आ जाए बहुत लॉजिकल कि भारत में सुबह के 8 बजे हैं, तो बताइए श्रीलंका का समय क्या है, तो सुबह के 8 ही बजे होंगे, क्योंकि मानक समय का निर्धारण किसी एक इसी एक रेखा से किया गया, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। या पूछ ले कि श्रीलंका का मानक समय देशांतर कितना है। अब आपको कोई पूछे कि 0 डिग्री देशांतर से भारत का समय कितना आगे या पीछे, तो देखो एक तो यहां गौर करना है, ये 0 डिग्री और ये इधर क्या है 82.5 डिग्री। इधर पूर्व में जाओगे तो सबसे पहली बात तो भारत का समय 0 डिग्री से आगे रहेगा, और भारत का मानक समय दिया हुआ है कितना 82.5 डिग्री, कितना दे दिया भाई 82.5 डिग्री, तो 0 को इसमें से घटा दोगे तो 82.5, इसको एक बार राउंड फिगर में कर लेते हैं तो ये हो गए 83, 4 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 332। मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं है पर ये बार बार पढ़ाते हुए हो गई है भाई, तो 332। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने 82.5 के 83 किए थे तो ये 2 मिनट वापिस घटा देते हैं तो 330, इसमें 60 का भाग दे दो, 60 का भाग दोगे तो ये जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, बना लो घंटे, इतना तो आता ही है। तो भारत का समय इधर है 0 डिग्री, यहां नहीं है, ये ध्यान दे लेना, यहां मत बता दे रहा हूं मैं, ये 0 डिग्री है और ये भारत का समय, तो भारत का 5.5 घंटे आगे है, ये महत्वपूर्ण बात है। आगे हम चर्चा करते हैं मानक समय देशांतर, और ये रूस है ना, इसके सर्वाधिक 11 मानक समय देशांतर क्यों है भाई, देखो रूस यहां से शुरू होता है और यहां से होता हुआ इधर आ जाता है, तो इतने बड़े क्षेत्र में, यानी यहां जब सूर्योदय होता है तो यहां पर लोग सोए हुए रहते हैं इधर वाले, लगभग 5-7 घंटे का टाइम लेट होता है, तो ये कहेंगे भैया सुबह 8 बजे का कोई काम है, इनके 8 बजने के में तो बहुत टाइम है, तो ये तो समय की विसंगति हो गई। तो इसके लिए यहां पर मानक समय देशांतर यानी टाइम जोन बना दिए गए, पूरे ग्लोब पर 24 टाइम जोन है, ठीक है ना, उन देशों के लिए अलग अलग है, 15-15 डिग्री का अंतराल है। अब देखो समय की गणना हम यहां करते हैं, कुछ समय की गणना का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, उस चीज का आपको गौर करना है। क्या है, यदि आपको कोई कह दे कि भाई सऊदी अरब में 32.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
पर सुबह के 8 बजे हैं। कब के? सुबह के। तो भारत का समय बताइए। तो भारत का समय बताने के लिए आपको कोई देशांतर नहीं देगा, जबकि अन्य देश के देंगे, क्योंकि अन्य देशों के हमारे को मानक समय देशांतर का पता नहीं है। तो यहां देखो भारत का मानक समय देशांतर क्या है, 82.5 डिग्री। अंतर याद कर लो दोनों में से जो बड़ा है, तो ये अंतर आ गया 32.5 डिग्री। अंतर याद किया 50। 1 डिग्री में कितने, 1 देशांतर के मध्य समय अंतराल 4, तो 50 के मध्य 200। तो यहां यदि 8 बजे हैं तो 200 का आप घंटे बनाओ तो 3 घंटे 20 मिनट। 8 बजे हैं तो इधर का समय पूछा जा रहा है, इधर हमेशा समय आगे होगा और यहां का समय दिया हुआ है, इधर का पूछ रहा है तो पीछे हो जाएगा। तो यहां 8 बजे हैं तो 8 में 3 जोड़ दो, 11:20 हो जाएंगे सुबह के। और यदि यही दिया होता कि भारत के 8 बजे हैं तो इधर का समय बताओ, तो 3 घंटे तो पहले घटा दो तो 5 और 4 घंटे 4:40 हो जाते। तो ये समय की गणना का तरीका है। अब यहां एक चीज महत्वपूर्ण है आपको, ये है आपकी 0 डिग्री। आपको कोई कहते कि अमेरिका में सुबह के, जैसे आपको ये क्वेश्चन लिख दे कि 14 अगस्त के रात्रि के 11 बजे तो भारत का समय बताओ, और यहां देशांतर दे दिया आपको 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये देखो ये 0 डिग्री है, ये पश्चिमी देशांतर। तो यदि पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है, तो दो विपरीत देशांतर यदि दिए हो तो उनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ दिया, जोड़ो कैसे जोड़ोगे, तो 82.5 और 60 तो 2 और 142 यानी 142। तो ये कितना हो गया, आप 143 से गुणा कर लो, 4 12 17 572। अब देखो यहां जितना टाइम हुआ है ना उसमें 572 मिनटे जोड़ दो, यानी पहले तो घंटे में बना लो और घंटे में बना के वो जोड़ दो और वो टाइम क्या हो जाएगा, इंडिया का टाइम हो जाएगा। और यदि यहां का टाइम दिया हुआ है, यहां का पूछ रहा है, तो इतना घटा दो। यानी कहने का मतलब है समान गोलार्ध के, जैसे पूर्वी गोलार्ध के देशांतर है तो उनको बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो, और यदि विपरीत प्रकार के देशांतर यानी विपरीत गोलार्ध के यानी पूर्वी पश्चिमी उनको दोनों को जोड़ दो तो समय अपने आप आ जाएगा। पूर्व में जाने में प्रति देशांतर 4 मिनट का अंतराल आता है, जुड़ता जाता है, और पश्चिम में जाने पर घटता जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखो ये चीज, ये आपके सामने एक मैप है, देखो ये 180 डिग्री देशांतर है, ये है यहां पर बेरिंग जल संधि। एक तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है, देखो ये एस, ये आपको उत्तरी अमेरिका से एशिया से अलग करती है, ये अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है, और यूएसए को किससे अलग कर रही है, रूस से अलग कर रही है। यानी दो देश तो हो गए रूस और अमेरिका, महाद्वीप हो गए उत्तरी अमेरिका और एशिया, स्थान हो गए साइबेरिया और अलास्का, इसको अलग करती है। यहां देखो इसको मोड़ा गया है, मोड़ने के पीछे कारण क्या है, इस रेखा के इधर जाने पर तो तिथि क्या होगी, कम होगी, और इधर जाने पर तिथि क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी यहां 15 तारीख है तो यहां 16 तारीख मिलेगी। तो ये मान लो कि जैसे आप जयपुर में रह रहे हो, जयपुर में से ये रेखा कोई गुजर रही है, तो इधर वालों के तो 14 तारीख हो गई, इधर वालों के 15 हो गई, और आपको किसी पार्टी में जाना है, इन्होंने कहा है भैया 15 तारीख को आना है। अब इनके तो 15 तारीख एक दिन पहले हो गए, दूसरे दिन आप गए क्योंकि आपके 15 तारीख अलग है, तो आप कहोगे ये क्या हुआ भाई, हम तो आज खाना खाने आए, पार्टी तो हो गई। या ये आएंगे तो उस दिन आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, आप कहोगे 15 को क्योंकि आपके एक दिन लेट है। एग्जाम से संबंधित मान लो, कैसे भी मान लो, समय की जो आपकी तिथि की विसंगति है उससे बचने के लिए पूरे भौतिक भूभाग को छोड़ दिया गया, और क्या है उस भूभाग पर एक तिथि हो गई। तो ये 8 बार मोड़ी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। कई एग्जामों में सीधा क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर, और उसको सही मान लिया जाता है, परंतु ये आ जाए कि 180 डिग्री देशांतर के समांतर, तो वो ध्यान रखना। कहां से गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। आगे ध्यान रखना,
यह रेखा स्थलीय भागों को छोड़ते हुए खींची गई है, इसको 8 बार मोड़ा गया है, ये पूछा गया है। इसे स्थलीय भागों को छोड़कर तिथिगत विसंगति से बचने के लिए खींचा गया है। बेरिंग जल संधि से होकर खींची गई है, इस रेखा को पूर्व में जाने पर एक तिथि घटाते हैं और पश्चिम में जाने पर एक तिथि बढ़ाते हैं। तो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। धन्यवाद सभी का, आप इस सेशन में मेरे साथ जुड़े। ये चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप अन अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, डिफेंस और अन्य जो भी नेट, जेआरएफ वगैरह के हैं, आईआईटी, जेई के कोई भी सिलेबस आप खरीदते हो, तो इसके लिए मेरा रेफरल कोड कौन सा, आरकेएस लाइव यूज कीजिए, जिससे आपके 10% डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 10%। इसके साथ ही आपके लिए 7,000 रुपए में मिलने वाला कोर्स मात्र 6,300 रुपए में हो जाएगा, जो काफी सस्ता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।